हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, और जो हम सुनते हैं वो हमारे ईयर से सुनते हैं हम साउंड को। ठीक है, आउटर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन है, अंदर जाके ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम से फिर जाती है इनर ईयर पे, और वहाँ से फिर हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, तो हम सुन पाते हैं। आज बात करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो पहले फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। हमें वाइब्रेशन का ये तो पता है, द टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मतलब एक ही जगह पे जो मोशन होता है आगे पीछे, इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, और इस मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी कह सकते हैं या वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेशन का मतलब ही ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना ही होता है। ठीक है, सो एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितने ऑक्सीलेशन करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चे। ठीक है, मान लो एक सेकेंड में ये पेन 6 बार ऑक्सीलेशन कर जाए एक सेकेंड के अंदर, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे 6 कहेंगे, और इसकी जो यूनिट है वो होगी हर्ट्ज, HERTZ, इसे HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 6 हर्ट्ज लिखेंगे। ठीक है, या फिर मेरी उंगली अगर एक सेकंड में 10 बार ऑक्सीलेट कर जाए तो मेरी उंगली की फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड और दी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज से, HZ से लिखते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑक्सीलेट कर रहा है एक सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए कि कितनी होगी। तो हमें पता चल गया कि एक सेकेंड में जितने बार ऑक्सीलेट करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी, मतलब 20 टाइम्स ऑक्सीलेट कर रहा है तो 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसी साउंड होंगी जो आप बगैर देखे भी पहचान जाते हो कि किसकी साउंड आ रही है, कहाँ से आ रही है, या फिर जैसे कहीं बैंड बज रहा तो आप समझ जाते हो कि बैंड की आवाज़ आ रही है, कहीं पे ड्रम बज रहा तो समझ जाते हो ड्रम की आवाज़ है, या आपके पीछे से कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये आपके फ्रेंड की आवाज़ है या आपकी मम्मी की आवाज़ है। तो इस तरीके से ये बगैर देखे भी जो हम आवाज़ें पहचान पाते हैं उसके पीछे बच्चे हाथ है एम्पलीट्यूड का। ठीक है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। बच्चे, एम्पलीट्यूड का तो मतलब है कि वाइब्रेशन कितनी तेज हो रही है। जो ये ऑक्सीलेशन हमने देखी है एक सेकेंड में जो ऑक्सीलेट कर रहा है पेन, अब ये तो नंबरिंग होगी कि कितने ऑक्सीलेट किए, लेकिन कितना तेज तेज ऑक्सीलेट कर रहा है, कितने दूर तक जा रहा है ऑक्सीलेट करके, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि आपने एक ग्लास ले लिया, मेटल का, स्टील का ग्लास ले लिया, कांच का नहीं लेना है, और इस पर आपने हल्के से चम्मच मारी, और यहाँ पे आपने जो लटका रखा है ये लटका रखा है आपने एक आपके जो थर्मोकोल की बॉल है, कि थर्मोकोल की हल्की सी बॉल है, आपने यहाँ पे चम्मच से मारा, इसको स्ट्राइक किया, और इस थर्मोकोल की बॉल को जो कि आपने लटका रखी इसके साथ अटैच कर दिया, इसके पास लेके आए, तो आप देखेंगे कि थर्मोकोल की बॉल जो है हिल रही है, और कितना दूर तक कितना तेज हिल रही है वो इसका एम्पलीट्यूड शो करती है। ठीक है, जब आपने इसको तेज स्ट्राइक किया, बहुत तेज चम्मच से मारा, तो साउंड भी जो तेज आएगी और इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, ये दूर दूर तक वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जब आपने इसको हल्के से चम्मच मारी तो ये आवाज़ भी कम करेगा और इसके एम्पलीट्यूड भी कम होंगे। तो बच्चे, यहाँ से हम ये समझते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है, लाउडनेस जो है, वो एम्पलीट्यूड पर डायरेक्ट डिपेंड करती है, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, लाउड वॉइस होगी, उतनी तेज़ आवाज़ आएगी। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे, सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लाउडनेस जो है ये मार्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है लाउडनेस। ठीक है, मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड 4 है तो 4 का स्क्वायर मतलब लाउडनेस उसकी 4 का स्क्वायर 16 लाउडनेस हो जाएगी। ठीक है, किसी का एम्पलीट्यूड 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 उसकी लाउडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। डेसिबल में डीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसकी 10 डेसिबल होती है, सॉफ्ट विस्पर जो हम धीरे से फुसफुसाते हैं किसी के कान में वो 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्जेशन जो है वो 60, बिजी ट्रैफिक में जो साउंड आती है वो 70 डेसिबल की होती है, और जो इंडस्ट्रियल जो साउंड होती है फैक्ट्रीज में काम करने की जो आवाज़ आती है वो 80 डेसिबल होती है। इससे ज़्यादा जो आवाज़ होगी, इससे तेज जो आवाज़ होगी एम्पलीट्यूड की, उससे हमारा सिर दुखने लग जाता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। जैसा मैंने आपको बताया लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी। जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड भी धीमी सुनाई देगी, फीबल मतलब धीमी सुनाई देगी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। अब आप ये देखते हो कि आपकी और आपके पापा की साउंड मैच नहीं करती है, आपकी और आपके भाई की साउंड मैच नहीं करती है, आपकी पतली ज़्यादा है आवाज़, आपके पापा की भारी आवाज़ है, या जैसे ड्रम बज रहा होता तो उसकी साउंड भारी आवाज़ होती है, जैसे डीपी सर विसल ब्लो करते हैं तो उनकी साउंड बहुत पतली होती है सीटी की। तो ये डिपेंड करता है बच्चे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है पिच के ऊपर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन दी श्रिलनेस तीखापन और पिच ऑफ ए साउंड। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर frequency higher है, जैसे यहाँ पर frequency आप देख रहे हैं कंडेंस है आपस में बिल्कुल पास पास हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि frequency high है। Frequency high है तो सीटी की आवाज़ हमें पहली सुनाई देती है, तीखी सुनाई देती है। जैसे कि लड़कियों में फीमेल में जो इनकी पिच होती है वो हायर पिच होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होने से लड़कियों की साउंड जो है वो पतली और तेज साउंड होती है, और लड़कों की जो पिच होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, इसलिए इनकी साउंड जो है भारी ज़्यादा होती है लेकिन पतली नहीं होती है। ठीक है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ ए हायर पिच। If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. Like an example, a drum vibrate with low frequency. Drum जो है low frequency से move करता है, तो इसमें जो आवाज़ आती है उसकी low pitch रहती है। ठीक है, low pitched sound रहती है, मोटी आवाज़ रहती है। On the other hand, a whistle has a high frequency. विसल में हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, इसलिए जो साउंड आती है वो हाई पिच की आती है, बिल्कुल तेज कान फाड़ने वाली ऐसी आवाज़ होती है। ए बर्ड हैज़ हाई पिच साउंड और लायन जो है उसकी लो पिच रोर होती है, बट जो रोर ऑफ लायन है वो लाउड होती है क्यों और साउंड ऑफ बर्ड इज़ क्वाइट फीबल। पिच मतलब तीखापन हो सकता है लेकिन साउंड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो शेर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसलिए उसकी जो साउंड है वो ज़्यादा आ रही है, मोटी आ रही है लेकिन ऊंची आवाज़ है, और बर्ड जो है उनकी पतली आवाज़ होती है और धीमी आवाज़ होती है, बर्ड की आवाज़ जो है ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती है। ठीक है,
ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड तो बच्चे वो है जो हम सुन पाते हैं, इनऑडिबल वो है जो हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम जो साउंड होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसे हम नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जिसकी साउंड फ्रीक्वेंसी होगी, हम उसे भी नहीं सुन सकते हैं। सो फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20,000 to 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच के फ्रीक्वेंसी होगी तो हम सुन पाते हैं, अदरवाइज नहीं सुन सकते हैं। डॉग्स जो हैं इससे ज़्यादा पे सुन पाते हैं, 20,000 से ज़्यादा की भी सुन सकते हैं। इसलिए पुलिस के पास स्पेशल साउंड करने वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं, और उसे सिर्फ कुत्ते सुन पाते हैं। ठीक है, नॉइस एंड म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है? नॉइस तो है मतलब जैसे पोल्यूशन, आपके आसपास ट्रैफिक की नॉइस हो रही है, या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं पे, या कहीं पे आपके आसपास में कोई मिस्त्री रहते हैं, हथौड़े का काम हो रहा है, या फिर फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल जो आपको जो साउंड सुनाई दे रही है वो नॉइस है। और म्यूज़िक है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आ रही है वो म्यूज़िक है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन क्या है बच्चे? अब जैसे एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन में मतलब एयर के अंदर जब अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह, स्मोक जब ज़्यादा काउंट उसमें चले जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। और अनवांटेड जब नॉइस बढ़ जाती है, एक नॉइस का लेवल बढ़ जाता है, तो नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, जैसे टीवी, ट्रांजिस्टर, इनकी हाई वॉल्यूम पे रखेंगे तो भी नॉइस पोल्यूशन है। किचन अप्लायंसेस हैं कुछ, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, या डेजर्ट कूलर है, या एसी है, तो इन सब से जो है नॉइस पोल्यूशन होता है। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं? इससे एक तो नींद कम आती है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, किसी को बीपी हाई रहता है, एंग्जाइटी, बेचैनी रहती है, और ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। आपने देखा होगा किसी किसी को नींद नहीं आती है, हल्की सी भी आवाज़ हो जाए तो नींद खुल जाती है। ठीक है, या बेचैनी रहती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? आपने गाड़ियों में, बाइकों में देखा होगा साइलेंसर लगे होते हैं, है ना, साइलेंसिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेस, तो इन सब में साइलेंसर लगे रहने चाहिए और लगा के रखने चाहिए। ठीक है, टीवी, रेडियो, इनको लो साउंड पे रखना चाहिए, लो वॉल्यूम पे रखना चाहिए। ठीक है, और ट्रीज लगाने चाहिए, ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग। ट्री लगाने से क्या होता है कि वो साउंड को कट डाउन कर देते हैं, हमारे बिल्डिंग्स में नहीं आने देते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से बाहर होना चाहिए, ताकि शहर के अंदर तक वो साउंड उनकी ना आए, वो नॉइस ना आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, चैप्टर आपका कंप्लीट है, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।